कल मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने रमज़ान की तैयारी के हवाले से आपको बताया। तो ये रमज़ान की कुछ और तैयारी, अचार मैंने तैयार कर लिया है। ये फ्रेश अचार नींबू और मिर्च का, पुदीने और अनारदाने की चटनी हाजमे के लिए बहुत अच्छी रहती है, पहले से तैयार करके रख लें। ये छोटे छोटे काम अगर किए हुए हों तो सहरी अफ्तारी में बहुत आसानी रहती है। अगर आप किसी वजह से लेट है तो फौरी तौर पे आप ये चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चने मैंने बॉयल करके रख लिए, तो फौरी तौर पे ग्रेवी तैयार करें और चने को गलाने में जो टाइम लगता है वो सरफ नहीं होता है, वो फौरी तौर पर डालें। दूध मैंने फ्रीज़ किया हुआ है और ये जो कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी दालें जो हैं, ये दाल में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और दालचीनी डालकर उबाल कर फ्रीज़ कर लेती हूँ और झटपट से ये सालन तैयार हो जाता है। ये हैं नगेट्स, ये मैंने चिकन आलू और दाल के मिला के नगेट्स बना के रखे हैं। बलाई नीचे नज़र आ रही है, वो तो मैंने मक्खन बनाना है। और ये मज़ीद चने जो पड़े हैं, असल में मैं एक हाथ से काम कर रही हूँ तो ज़रा मुश्किल हो रहा है बताने में। ये सुहांजना है, सुहांजना बॉयल हुआ पड़ा है और इसमें दाल मूंग है जो मैंने कल आपको दिखाई थी, इसमें चने की दाल है।